नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुभव कपिल और स्वागत है आप सभी का क्रेजी कुकिंग अनुभव में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप टाइटल से जान ही चुके होंगे कि आज मैं कुकिंग रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत लाभदायक। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले मैंने लिया था ये IMP का डिश वॉशर, जिसकी रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं और आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि डिश वॉशर के साथ कौन सा डिटर्जेंट, सॉल्ट और लिंसेट हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी होगा और क्वालिटी वाइज भी अच्छा होगा। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पास IMP का डिश वॉशर है, तो मैं उसके साथ यही यूज़ करती थी, इसका डिश वॉशर डिटर्जेंट, इसका सॉल्ट और इसी का लिंसेट। डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है और कोई भी शिकायत इसमें नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जब हमारा लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के टाइम ये अवेलेबल नहीं हो पाया, बहुत कोशिश की नहीं अवेलेबल हो पाया। तब समस्या हुई कि अब क्या यूज़ करें, उसमें कोई नॉर्मल डिटर्जेंट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने सर्च किया और हमें मिला ये फॉर्च्यून का डिटर्जेंट डिश वॉशर और ये सॉल्ट और लिंसेट, तीनों को पैक हमें मिला, हमने इसको यूज़ किया और बिलीव मी फ्रेंड, ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सही लगा। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी इन दोनों को कंपैरिजन में कि मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, पॉकेट फ्रेंडली कौन सा ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी कौन सी अच्छी है और आपको कौन सा लेना चाहिए। दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और लेकिन ये जो फॉर्च्यून का डिश वॉशर लिया मैंने और ये रिंसेट लिया, तो पहले तो आपको मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ, इन दोनों के अलग अलग प्राइस क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डिटर्जेंट के बारे में बता देती हूँ कि इसमें हम डिश वॉशर में कोई नॉर्मल डिटर्जेंट नहीं यूज़ कर सकते। तो जैसे हमारा ये फॉर्च्यून का है और ये IMP का है, ये हमारा लगभग पड़ता है 330 रुपीज़ का और ये 182-200 रुपीज़ का पड़ता है, यानी कि प्राइस में आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन क्वालिटी दोनों की सेम है, बहुत अच्छा है और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते दोनों की। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट ये जो है फॉर्च्यून का, ये 100 रुपीज़ के प्राइस में आता है और ये आता है लगभग 130 रुपीज़ का। ठीक है, ये सॉल्ट का प्राइस थोड़ा इससे ज़्यादा है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ कि मुझे सॉल्ट इसका ज़्यादा अच्छा लगा कंपैरिजन में। वैसे दोनों का रिजल्ट अच्छा है, पर कंपैरिजन में ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके रिंसेट की। ये है IMP का और ये है हमारा फॉर्च्यून का, और रिंसेट को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूरत नहीं होती डिश वॉशर में इसकी, बट फ्रेंड्स को जरूर यूज़ करना चाहिए, जो हमारे यूटेंसिल्स के ब्राइटनेस आते हैं इसी से आती है। तो फ्रेंड्स, दोनों का प्राइस सेम है, दोनों 150 की कॉस्ट में आता है, लेकिन क्वांटिटी दोनों में बहुत है डिफरेंस है। ये हमारे सिर्फ 2 ml लीटर का आता है IMP का, ठीक है, और जो हमारा फॉर्च्यून का रिंसेट है ये आता है लगभग 500 ml का। तो हमने देखा क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा चलता है, लगभग 2.5-3 गुना ज़्यादा चलेगा। ये क्वांटिटी दोनों की सेम है, ब्राइटनेस दोनों में सेम आती है, पर फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ज़्यादा चलता है हमारा फॉर्च्यून वाला। तो फ्रेंड्स, यदि आप इनका कॉम्बो पैक लेते हैं, कॉम्बो पैक में आता है सॉल्ट, डिटर्जेंट और लिंसेट, तो ये आपको, यदि आप IMP का लेते हैं तो IMP का आपका लगभग पड़ेगा 609 रुपीज़ का, और यदि फॉर्च्यून का लेते हैं कॉम्बो पैक, तो इसमें ये तीनों चीज़ें हमें पड़ेगी लगभग 470 रुपीज़ की। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हमने ऑनलाइन जब मंगवाया, हमें मजबूरी मंगवाना पड़ा, एक बार हमने IMP का भी मंगवाया ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, IMP का जो हमने ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बर्तनों में बिल्कुल शाइनिंग चली गई और बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी थी उसकी। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसको IMP के प्रोडक्ट को मंगवाते हैं तो आप प्लीज़ इसको किसी अपने शोरूम से ही लीजिएगा, इसे ऑनलाइन ना मंगाइए, क्योंकि देखने में बिल्कुल सेम था बट डुप्लीकेट था वो, और उसका क्वालिटी इतनी घटिया थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसको ले रहे हैं ना IMP के प्रोडक्ट को, तो इसको आप ऑनलाइन ना लेके किसी शोरूम से लीजिए जहाँ से आप लेते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप ये लेते हैं फॉर्च्यून का, ये तुम्हारा ऑनलाइन मिल जाता है, इसी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना किसी टेंशन के आप उसको मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों की आपकी क्वालिटी भी बता दी और क्वांटिटी भी बता दी, तो आपने देखा दोनों के प्राइस भी मैंने अलग अलग बताए, दोनों की क्वालिटी भी बताई। तो मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं फॉर्च्यून को लूँगी, क्योंकि फॉर्च्यून का प्राइस भी बहुत सही है और क्वालिटी उसकी अच्छी है ही। और वैसे तो IMP का भी अच्छा है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन यदि आप मेरी राय मानेंगे तो फॉर्च्यून का लेने में कोई टेंशन नहीं, आप इसको लीजिए, ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल होती है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि ये बहुत आजकल समझ में नहीं आता फॉर्च्यून करें या IMP करें, इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर की। तो जल्दी ही मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।